धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं ये बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और बहुत सारा उम्मीद लेके हम लोग पार्लियामेंट में आए हैं। 21 तारीख से मैं महोदय 10:30 बजे आ जाता हूँ और बार बार एडजर्नमेंट के बाद भी रुकता हूँ ताकि पार्लियामेंट चले। 21 तारीख को जब मैं आया तो मेरा निकला था भी जीरो आवर में एक विषय उठाने के लिए। मैंने यही सोच के आया कि इस तो पार्लियामेंट तो चलेगा नहीं, मेरा आज भाग्य निकला था तो आज तो चलेगा नहीं, मेरा भाग्य खराब है। फिर आके देखा कि हल्ला गुल्ला करने वाला कोई था ही नहीं, तो मैंने पूछा भाई ये होगा के हुआ कैसे। तो फिर मेरे को पता चला कि ईडी से समन आया था तो ये लोग सब बाहर है। मेरे को कहने के लिए मौका मिला, आज भी 18 तारीख से दूसरे बार मेरे को आज कहने के लिए मौका मिला। मैं ये बिल के समर्थन में आया हूँ बोलने के लिए और महोदय मैं इस बिल के को समर्थन करते हुए एकाध विषय माननीय कानून मंत्री को भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो 2009 से नागालैंड में दो दो कोर्ट में अभी तक कितना फैसला वगैरह हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस दैट वर फाइल बिटवीन 2009 टू 2022 एंड द नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज ऑफ इन द लोअर कोर्ट एज वेल एज इन द एपिलेट कोर्ट, नंबर वन। और हिमाचल में भी 2019 से अभी तक कितना डिस्पोजल केसेस हुआ था, कितना डिस्पोजल हुआ था। और अपील में जो लोग बोल रहे हैं कि ये जो पुराने केसेस है तक इसको रीवैलिडेट करने के लिए जो मंत्री जी ये बिल लाए हैं, और एक बिल भी ये मंत्री जी लाए थे जजेस पेंशन ऑफ हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल भी मंत्री महोदय ने लाए थे। उस समय भी दोनों बिल में मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि गलती दूसरा किसी ने किया, आप उसको रिपेयरिंग करने के लिए आए हो और जो नाइंसाफी हुआ है बहुत लोगों को उनको इंसाफ दिलाने के लिए लाए हो, तो उसमें आपको मैं पूरा का पूरा समर्थन करता हूं। और उसके साथ साथ मैं एकाध विषय ये भी उठाना चाहता हूं कि आज यहां ये बिल के संबंध में बोलते बोलते सभी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का जिक्र किया, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन के आई है। जो लोग बोले हैं कोई उड़ीसा के नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जी जहां से आई है राष्ट्रपति बनी है वो उड़ीसा प्रदेश है। और मैं भाग्यवान हूं कि उड़ीसा प्रदेश का मैं सांसद हूं और मेरे प्रदेश से जी भक्तोरी जी भी है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ लगभग 20-22 साल नज़दीक से काम करने का मौका मेरे को मिला है, तो उसी एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस ए वेरी ऑर्डिनरी वुमेन बट विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज। एक MLA के नाते, एक मंत्री के नाते उड़ीसा में मैं नज़दीकी से देखा हूँ और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान को एक बेहतरीन राष्ट्रपति मिला है एंड देट विल क्रिएट ए न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और उसके कारण ये भी हम लोग बोलने लगे हैं आजकल, दिस इज नॉट ओनली ए क्वेश्चन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एम्पावरिंग द सोसाइटी थ्रू वुमेन। दिस हैज बीन द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस। उसमें मेरा दो सलाह है महोदय, आपके अनुमति से दो सलाह देना चाहूँगा और दो मांग भी करना चाहूँगा। मंत्री जी, ये जो जजेस पेंशन के बिल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, उस समय हमने उठाया था ये विषय कि उड़ीसा में पार्मानेंट बेंच पश्चिम क्षेत्र में करने के लिए, आपने मेरे को हाँ कहा था और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुख्यमंत्री जी को और उड़ीसा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस दोनों को आप चिट्ठी लिखे हो
और चिट्ठी लिखना भी लगभग एक महीना हो गया। एंड यू आर नॉट द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, यू आर द फोर्थ लॉ मिनिस्टर फॉर राइटिंग लेटर टू द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा टू गिव कॉन्क्रीट प्रपोजल। अभी तक एक महीना हो गया, आज नहीं आया है। तीन तीन मंत्री चले गए हैं, मैं उनको भी बोलूंगा और आपको भी बोलता हूं, पता नहीं ये चिट्ठी का जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा यही सलाह है कि उसका नहीं, हम तो 20 साल से 25 साल से इंतजार में हैं। नो प्लीज टू कंक्लूड मैं यही निवेदन है मेरा कि लेट मी कंक्लूडिंग अगेन आई अपील टू दी ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर टू टेक अप द मैटर विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट अगेन। एंड ये जो फैमिली कोर्ट में वो जो है उसमें भी महिला राष्ट्रपति बनी है, उसमें फैमिली कोर्ट में भी बहुत से ज़्यादा महिला जजेस होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में महिला जजेस बहुत कम है, उसमें मेरे को लगता है कि और ज़्यादा लॉ कॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉ कॉलेज होना चाहिए। यहाँ मेरा जो संसदीय क्षेत्र है अच्छा होगा। ए भाई साहब, आप चुप तो रहिए, भाई साहब जी चुप तो रहिए, आप चुप तो रहिए, बार बार टोकना बंद कीजिए। आप जिस समय बोलते थे हम लोग आपको इंटरफेयर नहीं करते थे, मैं देख रहा हूँ जब से आप बैठे हो कोई भी बोलने से आप खड़ा हो जाते हो। अरे बोलने तो कभी-कभी सुनने का आदत तो डालिए। मिस्टर पुजारी, आखिर में प्लीज डोंट इंटरफेयर। आखिर में मेरा यही निवेदन है महोदय, लॉ एजुकेशन का क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कीजिए। ये जो नेशनल स्कूल ऑफ लॉ है उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतरीन है। अच्छा होगा अगर मेरा संसदीय क्षेत्र में बरगढ़ या झारसुगुड़ा जिला में एक नेशनल स्कूल ऑफ लॉ हो जाए आपकी ओर से, भारत सरकार की ओर से, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।